हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है 5:30 तो मॉर्निंग का। तो आज जाएंगे औरा का, हमारा जो है ना उसका फास्ट टैग बनाने के लिए शेरगढ़ हमारा उधर, क्योंकि ऑनलाइन पे परचेस करेंगे तो 3-4 दिन लग जाएगा। और इसीलिए हम लोग जाने वाले थे कटक, उस टाइम पे फास्ट टैग लेना था लेकिन रात में अचानक कैंसिल हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो जाके लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों को पैसा पेमेंट कर दिया हूँ। अभी निकलता हूँ शेरगढ़, उधर जाके अपना जो फास्ट कलेक्ट करता हूँ भैया से। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, और क्योंकि शोरूम पे जो दे रहा था ना, शोरूम में ज़्यादा पैसा ले रहा था, ठीक है, शोरूम में 600 रुपया बोल रहा था, उसके बाद बोला 500, लेकिन हम लोगों को मिला 250 से। तो अगर आप कार खरीद रहे हैं तो 250 से मतलब कम से कम में आपको मिल जाएगा, आप शोरूम पे मत लीजिए। क्योंकि बहुत सारा लोग समझता है कि अरे इतना पैसा लेके कार ले रहा है, शायद 600 लेगा। नहीं, आपको जितना पैसा लेगा उतना वैल्यू फॉर मनी होता है। 100 से 150 रुपया वो डिडक्ट करता है वो लोग, लेकिन आप लोगों को आपका ज़्यादा पैसा अगर दोगे वो आपका वॉलेट में होना चाहिए, लेकिन ये लोग पैसा अपना पॉकेट में रख लेता है। इसीलिए हम लोग निकलते हैं, ऑनलाइन से परचेस किया, 100 रुपये का पेट्रोल डालेंगे तो भी मेरा 350 से 400 रुपया खर्चा होगा, लेकिन वो लोग 500-600 रुपया ले रहा था, उसमें से 150-200 रुपया अपना अकाउंट पे। तो चलिए कलेक्ट करते हैं फास्ट टैग। पैसा भी आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अभी का रेट चल रहा है 103 रुपया 26 पैसा, ठीक है। फुल टैंकी करा रहे हैं कि दुकान पर भी पेट्रोल लगा देंगे, डब्बा में भर देंगे जिसे लेके अभी चलाने के लिए। तो अभी 103 रुपया चल रहा है, फुल टैंकी करा रहा है, देखते हैं कितना आता है टैंकी पे, ठीक है। 1460 रुपया। गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पे खंतापड़ा स्टेशन हमारा नज़दीकी जो स्टेशन है वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे उठते हैं, नहीं तो बालेश्वर में उठ जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन आ गया, हम लोग वेट कर रहे हैं गेट पे। अभी पहुँच गया हूँ हाईवे, और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि अभी इसी हाईवे पे हम लोग उठेंगे और राइट टर्न लेंगे, उसके बाद चलेंगे शेरगढ़। तो गाइस हम पहुंच गए हैं शेरगढ़ टोल टैक्स वाला गेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे है शेरगढ़ का टोल गेट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और भैया को कॉल कर दिया हूँ, वो आ रहे हैं और थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद उनसे बात करके। तो पहुंच गए हैं फास्टैग वाला ऑफिस, तो चलिए भैया आ रहे हैं, मिलते हैं ऑफिस। मतलब ये लोग का इसका इस तरह बैनर लगा के ये लोग बैठता है, और जो जो नया गाड़ी आता है वो लोग देखता है, ज़रूरत होता है दे देता है। तो भैया अभी आ रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, और भैया आ रहे हैं और फास्टैग बना रहे हैं। तो चलिए बना के उसके बाद गाड़ी पे लगाते हैं। भैया से फास्टैग लिया हूँ उधर से, लेकिन मैं टोल गेट क्रॉस किया, ठीक है। टोल गेट क्रॉस करने के बाद जो आया तो उन्होंने बोला कि एक एक्सपीरियंस का बात जो है, आपका अगर मोबाइल के पीछे फास्टैग है तो आप बाइक से आ रहे हैं तो साइड से आ जाइए और स्पीड से आ जाइए, जहाँ पे स्टॉप लिखा है वहाँ पे स्पीड से थोड़ा आ जाइए, और मोबाइल के पीछे आपका फास्टैग रख लीजिए आपका कवर के पीछे, तो आपका फास्टैग से पैसा नहीं कटेगा। तो मतलब है मोबाइल के पीछे आप रखिए अगर आप फास्टैग लेके जा रहे हो कहीं। हमारा फास्टैग आ चुका है कार का, तो इसी का लगाएंगे। एक लगा हुआ था वो ठीक गलती से लग गया, मतलब वो अच्छा तरीके से नहीं लगा है, इसीलिए दूसरा हम लोग मंगाया, और दूसरा मंगाने के लिए आपका 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो आप ये लगा के अपना फास्टैग लगा सकते हो। तो देखिए दूसरा जो पहला वाला जो लगा हुआ था वो उसको उठाने की कोशिश किया है। ये है फास्टैग, और इसको लगाने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं कटेगा, लेकिन वो रह गया तो इसीलिए उसको अच्छा तरीके से उठाना पड़ेगा और हम इसको लगाएंगे। तो फास्टैग आप पेटीएम का ही लगाइए, क्योंकि पेटीएम लगाने का बहुत सारा फ़ायदा है, वो आपको बताएंगे। पेटीएम वाला ही क्यों लगाए, तो इसको पुराना वाला है, ये जो है पुराना वाला है, तो इसको हम लोग उठा दिए क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लगाना है, उसको वो उतना अच्छा तरीके से नहीं लगाया गया था। तो पेटीएम का लगाने से क्या होगा, आपका पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस रहेगा वहीं पे कट जाएगा, आपको पैसा बार बार ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर वॉलेट पे आप ऐड करना चाहते हैं तो वॉलेट पे भी आपको ऐड करना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेटीएम पे अगर आपका पैसा रहेगा ना तो पेटीएम वॉलेट पे आप ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन लगा देंगे तो पेटीएम वॉलेट पे ऑटोमेटिक पेटीएम से ऐड हो जाएगा, और पेटीएम वॉलेट से ऑटोमेटिक फास्टैग में कट जाएगा। तो यही है पेटीएम वाला करने का फ़ायदा, लेकिन अलग पे आप करेंगे तो अलग आपको पेटीएम
या जो भी बैंक का कीजिए उसको आपको पैसा डालना पड़ता है। तो मैं पहले इसको, नहीं नहीं ऐसे डायरेक्ट लगा दो, मैं बाहर जाके सीधा बताता हूँ, रुको। ये लग गया, ये बहुत ही अच्छा तरीक़े से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा तरीक़े से लगाने की कोशिश की है। तो ऐसे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि जैसे तैसे लगाने भी आपका काम चलता है, कोई लगाने का भी तो एक तरीका होता है ना। अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा, कोई देखेगा भी तो वो भी बोलेगा अरे भाई कितना अच्छे तरीके से लगाया है, वो भी एक बड़ा बात है। तो गाइस फर्स्ट टेक लगा दिया, चलिए थोड़ा घूम के आते हैं।